राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और मेरे पीछे देखो, एक हार्ड वर्किंग वुमन, इंडियन वुमन क्या कर रही है देखो, अपने बेटे के रूम को पानी दे रही है सुबह सुबह उठ के। और मेरे पीछे सनराइज देख लो दोस्तों, कितना सुंदर है। वाओ, किधर? नहीं ना मम्मी, हाथ हाइट कम है पर जज्बा पूरा है मम्मी का। मम्मी इतना प्यार, मेरे रूम को कभी मम्मी ने पानी नहीं दिया पर सुनील के रूम को। मम्मी की हिंदी, लुक एट दी सनलाइट। वाओ, चलो भैया ब्लॉग वॉग अपलोड कर देते हैं अपना। मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, अपलोड कर रहा है, वो भी 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। राम राम बाबा, काय चालू है? हाँ, दिनस टाइम वाला उठतो। दादाजी बोल रहे इतनी जल्दी उठ गया आज। हाँ, ये घराला पानी मारायला लावतो ना मम्मीला। मम्मी ठीक से। अब तक आप सनलाइट को एंजॉय करो दोस्तों। चलो दोस्तों, लाइट चली गई, अब बकेट से पानी देना पड़ेगा, तो वो काम करेगा तेरा भाई स्वप्निल। वजह असलाई नको चिपडू, काही तरी मग्या बिग्या घ्यायला पाहिजे, मग्या बिग्या घ्यायला पाहिजे ना। मम्मी मेरी कॅमेरामॅन आहे ना, मम्मी हात भी नाही हिला रे, ऐसे काय से खड़ी। मम्मी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हंगास करणारी लवत। मॉर्निंग वाइब्स दोस्तों, मॉर्निंग वाइब्स। सुनील हमें चिढ़ा रहा था तो हम सब भाग गए यहाँ से। अकेला रह गया फिर वो। पहले तो मम्मी भाग गई यहाँ से। हमें यहाँ पे बैठे थे, हम सुनील की बुराई कर रहे थे, फिर सुनील ने हमारी बुराई शुरू कर दी, हम भाग गए। तो अभी मस्त मेरे लिए है ना, दाल के पराठे बन रहे, उसे चीला बोलते हिंदी में ना, तो वो खाएंगे अपन आज थोड़ा सा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, कैसा दिख रहा हूँ मैं दोस्तों आज, जरा कमेंट करके बताना। रही 5 रुपए की पेप्सी, स्वप्निल भाई सेक्सी लिख दो कमेंट में, ठीक है। चलो भाई, हरा और लाल। अबे तुझे बन रहे हैं ना आलू के पराठे, तू खाना वो। हर चुके को, तो आज है इसका लिंटल डालने का काम शुरू हो चुका है। तो ये लोग वही काम कर रहे थे, देखने के लिए आए थे हम लोग, वही वो भी आ गए आज घर पे। अरे सचिन शेट तो आ गए स्प्लेंडर लेके, आ जाओ आ जाओ। वेलकम टू द बेरोजगार क्लब, सैटरडे संडे। चारों भाई आ गए अभी घर, अभी सिर्फ पल्लवी रहेगी। पल्लवी वैष्णव तो है ही घर पे। बाबा बरे का? हाँ बरे बरे बरे। या 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 या। तो बहुत सारा टाइम पास करके हम चल रहे हैं नीचे, ये लूडो खेलते हैं चारों भाई। तो आज छुट्टी है, दोनों भाई जा रहे हैं खेतों में चक्कर लगाने के लिए। पापा सही से खेती कर रहे हैं, नहीं देख के आते पापा देखेंगे तो पहले पीटने के लिए चले आएंगे मुझे। वाओ, पहुंच गए हम खेतों में। प्याज को थोड़ा पानी देना पड़ेगा यार, पानी कम हो गए। तो ये हमारा प्याज का खेत पूरा, ये वाला और वो आगे वाला है। चलो भैया जाते हैं, अभी निकल गाड़ी। वाह, तो सभी लोग, सभी भाई लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग खेलने वाले हैं लूडो। चलो शुरू करते हैं, दीदी खेलेगी तब तक, आते भी आ गए आज हमारे। मेरे वाले ब्लू, मतलब टोटल 5 प्लेयर हो जाएंगे। चलो भाई करो शुरू, किधर है वो डाइस? 1, 2, 3, स्टार्ट।
भाई वैष्णवी ने गेम जीता, मैं सेकंड नंबर आया, वही वो हार गया। और गेम कितने घंटे के लिए चला पता है? 2.5 घंटे के लिए। हमारा गेम 1 घंटे में खत्म हो जाता है। 5 गेम होते हैं हमारा। इतनी खुन्नस हो रही थी ना हमारी, बहुत खुन्नस हो रही थी, एक दूसरे को उड़ा रहे थे सिर्फ हम लोग। दोस्तों इस चाय टाइम पायल अभी मस्त चाय बना रही है। तो हमारे घर पे आज जो लोग आए हैं काम करने के लिए उनको भी चाय लेके जाता हूँ मैं फिलहाल। और भैया आज सैटरडे, दिन इतना फटाफट जा रहा है ना, अभी 5 बज रहे और कैसे दिन खत्म हो गया। ऐसा तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुबह ही नाश्ता किया और अभी, ओह गॉड। पायल कुछ कहना चाहो, कुछ कमेंट करना चाहो? हमारा दिन ऐसा ही जाता है। पायल ने कंटिन्यूसली 3 डेज ब्लॉगिंग कर दिए और तीनों ब्लॉग खुद ने एडिट किए, खुद ने अपलोड किए। I'm really proud of my wife. आप बोल रहे होगे इतने 3 दिन तक कर तो किए, इतना क्यों ये चिल्ला के बोल रहे हैं, पर आपको पता नहीं, एक बार करके देखो। पायल मतलब जैसे आलसी उमन को काम पे देख कर करते देख के मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मतलब ये क्लास का आखिरी वाला बच्चा है। हाँ। जो अच्छा कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं तो इतनी आलसी थी पायल। मैंने बताया था ना आपको किसी एक ब्लॉग में कि मेरे अंदर आग नहीं जलती और जली ना कोई रोक नहीं सकता। वाह। तो जलनी चाहिए, जली को अच्छी चाहिए। जली को आग कहते हैं, बुजी को रॉक कहते हैं, और जो पायल के रास्ते में आए उसे स्वप्निल भाई कहते हैं। गर्मा गर्म चाह, चलो ऊपर लेके जाते हैं चाय को। चाह गया दादाजी, क्या कर रहे हैं भाई? भाई एक पंगा हो गया, पायल ने ना शक्कर ही नहीं डाली चाय में, वैसे ही आ गया ऊपर में चाय लेके। उन लोगों को है ना, सचिन पी लो भाई आज के दिन, ठीक है? तो इनको बिना शक्कर वाली चाय पिला दिया, हम अभी फिर से चाय पिलानी पड़ेगी। पायल, अबे पायल तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? चाय में शक्कर डाली नहीं? डाली, शक्कर ही नहीं है चाय में। हाँ अभी फिर से थोड़ी देर बाद फिर से बना के दो उनको चाय। हाँ। मम्मी साथ में डाल। आई होप इसमें चाय एक में शक्कर डली है पायल। हाँ चलो भाई फिर से चाय लेके जाते हैं। अभी चाय टाइम दोस्तों, या चाय गया। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, तब तक बने रहना हमारे चैनल पे। चलो आते हैं थोड़ी देर में, बैठो जल्दी बैठो। बड़े दिनों बाद मैं किया चलाने वाला हूँ आज, बड़े दिनों बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, मुझे जाना है था पानी पूरी खाने के लिए। ये लोग जा रहे थे तो मैं इनके साथ बोला मुझे भी आने दो, इनका काम करने के लिए जा रहे ये लोग, बड़े लोग, अपन जाएंगे पानी पूरी खाने के लिए। हमें लगा हमारे साथ आ रहे घूमने। आज पहुंच गए भाई ओला में, चलो अभी जाते हैं हम सचिन के साथ। सचिन जहाँ पे लेके जाएगा वहाँ पे। सबसे पहले हम आ गए थे एक दुकान में, यहाँ से हमने कुछ नहीं खरीदा, 0 रुपए का खरीदा। चलो, और ये है ओला, और यहाँ पे ओला की SBI बैंक, और इसी बैंक में मैंने खाता खोला है। सबसे घटिया बैंक। मतलब जिंदगी में ना इतनी सिक्योरिटी है भाई इस बैंक को, एक ही भरोसा है उसमें कि पैसा नहीं डूबेगा। हाँ। बाकी सारी सर्विसेज खराब है, एक काम सही से नहीं होते। ये देखो यहाँ पे ही है, मतलब पहले तो इनके पास कोई काम करवाने जाओ तो 1 घंटा वो उधर वेट करवाते हैं, फिर खुद का पैसा निकालने के लिए 10 बार चीज़ें करनी पड़ती। मैं तो तंग आ गया भाई SBI से, पर क्या करूँगा, सेफ बैंक है, बाकी बैंक तो डूब जाते सीधा, ये डूबेगी तो नहीं, गवर्नमेंट की बैंक है। और SBI से भी बढ़िया बैंक है यस बैंक, इसमें पायल का अकाउंट है भाई। SBI एक बार अच्छी बैंक है, यस बैंक का तो भरोसा ही नहीं है। सबसे अच्छी है HDFC और ICICI। हाँ HDFC सबसे बेस्ट है, ICICI भी बेस्ट है भाई, उनका ज़्यादा झमेला नहीं है। मेरा तो सारे अकाउंट, मतलब मेरा एक अकाउंट ICICI में, SBI में। जितनी परेशानी मैं SBI को फेस करता उतनी मैंने ICICI को कभी नहीं करी।
पर फिर भी मैंने SBI में अकाउंट रखा है क्योंकि धोनी SBI का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, इसलिए। तो हम पहुंच गए सचिन भाई के लिए TV खरीदने के लिए, भाई की पहली सैलरी हो चुकी है, तो भाई बोले इसको खर्च करते, मम्मी पापा को TV गिफ्ट कर देते, उड़ा देते। सचिन भाई पहले से देखे रखा है या फिर चूज करना है? तो चूज करने के लिए दो सबसे होशियार आदमी लाए हैं। यार वॉशिंग मशीन खरीद ले क्या भाई? हाँ कौन सा पसंद आ गया सचिन? वाला ये वाला आया था, हमारा बजट सैलरी के हिसाब से नहीं है ये भाई। 1,60,000 का TV, इसको देख के हमने इधर मोड़ लिया अपना रुख, उसको देखना भी नहीं है। चलो यहाँ पे हमारा ब्लॉग लगा के देखते हैं। भाई TV लगाने को बोला, इसको ठोकना पड़ रहा है तब चालू होगा वो। तो फाइनली ये TV हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है बजट के हिसाब से, देख रहे हैं। तो TV कौन सा लिया है वो सब आपको घर पे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम फर्नीचर देखने के लिए आ गए थे। वैभव तूने खामा का फर्नीचर बनाया, इधर से उठा लेता भाई, ये गारंटी का नहीं, इसके अंदर तुझे पता है कि कुछ क्या है? कंफर्टेबल तो है भाई, कंफर्टेबल है नहीं, तुझे एक और दिखाता चल। ये ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है यार, ये देखो ये सब एक स्टाइल के ही, ये भी सही है। दिस इज कंफर्टेबल गाइस, फाइनल TV हो रहा है अभी, फाइनल हो गया ये TV, घर जाके दिखाएंगे आपको क्या है इसका सीन, ठीक है। चलो भाई सचिन नेगोशिएट कर रहा है, सचिन ही सब कुछ कर रहा है। सचिन भाई पता दे जल्दी क्या करना है। हेलो। तो भाई फाइनली TV ले लिया हमने, अभी इसको कार में डाल के घर लेके जाते हैं, बहुत हो गया टाइम पास। सचिन भाई अकेला बाहुबली बन चुका है भाई, संभल के जरा, कोई धक्का मार देगा, खड़ा रख उसको। तो भाई चलो अभी गाड़ी में तो TV डाल दिया है सचिन भाई के हाथ में, दे दिया है उनके गोदी में बिठा दिया है TV को, ठीक है सचिन भाई। हाँ भाई। TV की पप्पी लो एक। सचिन भाई का फेवरेट TV है। तो अभी अभी मस्त है ना, पानी पूरी खाते हैं और घर जाते हैं। चलो भैया पानी पूरी खा लेते हैं, गिल्ली वे खाना, सूखी पानी पूरी। वो गाड़ी क्यों साफ कर रहा है भाई? चलो भाई पहुंच गए घर, मम्मी पापा को मिल लिया अभी। करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।